अज्ञानता और लालच इस संसार में दुखों के दो सबसे प्रमुख कारण हैं। जल्दी पैसे कमाने की लालच में लोग अपने पैसों को बिना सोचे समझे कहीं भी लगा रहे हैं। आज के ज़माने में जो चाइनीज ऐप है, वही ये सारे बेटिंग ऐप्स, लोन ऐप्स जैसा बवंडर मचाए हुए हैं पूरे भारत में, और उस बवंडर में पड़ कर हम अपने पैसों को गंवा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रजनीश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दी ऑर्टरिंग। आइए आज की खबर को विस्तार से जानते हैं। कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने लगभग 232 चाइनीज ऐप को बैन किया। पहले राउंड में भारत सरकार ने 100 ऐप्स बैन किए थे, जिसमें से पबजी भी एक ऐप था। दूसरे राउंड में 59 ऐप्स को बैन किया गया था, इसमें वी चैट, टिकटॉक जैसे प्रमुख ऐप्स थे। लेकिन अब भारत सरकार ने लगभग 232 ऐप्स को बैन किया है और ये सारे ऐप्स चाइना द्वारा संचालित हैं। आपको बता दें कि इन ऐप्स में बड़े बड़े कंपनियों के नाम थे, लेकिन लोन्स का झांसा देकर बेटिंग ऐप्स के जाल में लोगों को फंसाकर ये बहुत बड़े घपले कर रही थी। लेकिन इसकी जानकारी जब गृह मंत्रालय को मिली तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद यह पता चला कि कई लोगों ने इन ऐप्स के झांसे में पड़कर अपने पैसे गंवा दिए और कई लोगों ने तो आत्महत्या जैसे आपराधिक कार्य भी किए। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास अपना आवेदन भेजा कि इन सारे ऐप्स को बैन किया जाए, और आर्टिकल 69A के तहत इन ऐप्स को बैन किया गया। इनमें से 138 ऐप बेटिंग ऐप थी और लगभग 84 ऐप लोन ऐप्स थी। भारत सरकार ने बेटिंग ऐप्स, लोन ऐप्स और थर्ड पार्टी ऐप्स, इन सबको मिलाकर 232 ऐप को बैन किया है। आइए जानते हैं कि इन ऐप्स के सबसे बड़े शिकार कौन होते हैं। तो कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के लोग तो बहुत कम इसके शिकार होते हैं, लेकिन छोटे शहर के लोग जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, गांव के लोग, निम्न मध्यम वर्ग परिवार के लोग, ये सब इसका शिकार होते हैं। लोगों को लगता है कि 0.5% इंटरेस्ट रेट पर वो आपको लोन दे देगी और आपको लोन मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, लेकिन जब आप कुछ पैसे भरते हैं तो बाद में पता चलता है कि सारा का सारा खेल ही फ्रॉड का था। वैसे ही बेटिंग ऐप्स की भी कहानी है। बेटिंग ऐप्स में आप पैसे लगाते हैं, आप धीरे धीरे जीतते हैं, कभी हारते हैं, और कभी कभी आप बड़े अमाउंट भी जीतते हैं, और ये जीत का कारण होता है आपको लुभावन सपने दिखाता है ये ऐप्स कि आप और पैसे लगाइए जिसके कारण आप और जीत सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, गृह मंत्रालय को जब पता चला कि इन सब में घपलेबाजी हो रही है तो उन्होंने तत्काल इसे बैन करने का निर्णय किया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी। जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनके नाम आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें से है 1xBet, लोटस 365, सट्टा किंग, सट्टा मटका जैसे अनेकों नाम हैं, और लोग इन पर विश्वास कैसे करते थे? तो लोगों का विश्वास का सबसे बड़ा कारण यह था कि इनके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, ये इतना प्रचार करते थे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हर जगह इनके नाम रहते थे, तो लोगों को आसानी से इस पर भरोसा भी हो जाता था। लेकिन मैं आप सभी को ये सूचना देना चाहता हूँ कि इन बातों पर, इनके लुभावन सपनों पर एकदम विश्वास ना करें आप। ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये आपको कहेंगे कि 0.1% रेट पर आपको लोन मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सपने देख रहे हैं घर में बैठे बैठे कि एक मैच में आप पैसे लगाएंगे बेटिंग ऐप में और आप करोड़ों रुपये जीत जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया मेहनत करें, कुछ काम करें, तब पैसे कमाएं। मेहनत की कमाई बहुत दिन तक रहती है, ऐसे सट्टे की कमाई पर भरोसा बिल्कुल ना करें। आप सभी से अनुरोध है कि इन ऐप्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अपनी कमाई हुई पूंजी को बचा कर रखें और दूसरों के हाथ में ये बिल्कुल ना दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।